का सच्चा साथी से सुख दुख का सच्चा साथी सब मैं जाना पहचाना से लोगों ने मेरे को जो पहना ही है आज ग्रामवासियों ने सावरे और ऐसे प्रांगण में हमारे देवता के बाबा भैया के यहाँ प्रांगण में जो पगड़ी और फूल मालाओं से आपने मेरे को सुसज्जित किया है मैं आप लोगों का ता जिंदगी आभार रहूंगा। मैं इस एहसान को कम नहीं कर पाऊंगा लेकिन मैं आप सभी से निवेदन करूंगा मेरे बुजुर्ग हैं मेरे चाचा ताऊ हैं मेरे नौजवान साथियों हैं कि आप लोगों ने मुझसे आने वाली 9 तारीख को हमारे पंचायती राज में जिला परिषद का इलेक्शन है और उसमें सभी ग्रामवासियों ने जो जैसे भागीदारी ली है यहाँ पे देख के लग रहा है कि एक ऐसा उत्साह है ग्रामवासियों में मेरे बुजुर्गों में भी
जो शायद दिन में 10 मुश्किल से 100 मीटर नहीं चलते हो, वो यहाँ पे आए 400-500 मीटर चल के आए हैं, और उनको लगा कि हमारा बेटा, हमारा पोता, हमारे नौजवान साथी जो किसी ना किसी अपने घर से, काम से, इस टाइम अपनी नौकरी करके आए थे, लेकिन उनको लगा उनके बिजी शेड्यूल में भी 10 मिनट का समय निकाल के कि उनका एक छोटा भाई आया है, उनका एक नौजवान साथी आया है, मेरे बुजुर्गों ने उनका एक बेटा आया है, उनका एक पोता आया है, और आने वाली 9 तारीख को जिला परिषद के जो इलेक्शन है उसमें वो भागीदार है, उसमें वो उम्मीदवार है, और गांव का दायित्व होने के नाते आप लोगों ने उस पे एक इतना बड़ा एहसान रख दिया कि मेरे शरीर में जब तक खून का कतरा होगा आपके शरीर, आपका मैं कभी भी जीवन भर इस चीज का ऋणी रहूंगा और कभी कम नहीं कर पाऊंगा। आप सभी ग्रामवासियों को मैं दोबारा कहता हूं कि आपने जो मेरे को मान सम्मान दिया है उसका तहा उम्र मैं आपका एहसान मंद रहूंगा। और मैं आप ज्यादा ग्रामवासियों की ओर से ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, आपने वो इतना समय दिया है काफी है, क्योंकि गांव में आज शादी है, बहुत सारे मेरे बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, चाचा ताऊ हैं, बड़ी मुश्किल से 5 मिनट रिश्तेदार आए हुए हैं बाहर से, 5 मिनट का समय निकाल के फिर भी आए, नौजवान साथी है, देखो खुशी का माहौल है, अच्छा है, उनको भी 5 मिनट उन्होंने दी है, तो उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं आप लोगों से, ग्रामवासियों से अपील करना चाहता हूं कि आने वाली 9 तारीख को भारी बहुमत से आपके इस बेटे को, आपके इस भाई को, नौजवान साथियों को, अब वो जितना ज्यादा हो सके मेरे को वोट दे जिला परिषद में, जिसका मेरा निशान है जीत का। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपका ये बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि आज मैं वोट लेने के लिए इकट्ठा नहीं हुआ हूं, मैं सभी ग्रामवासियों से पहले क्षमा मांगना चाहता हूं कि इस समय में लगभग 10-15-20 साल का पीरियड हो गया, 7-20 साल का पीरियड हो गया कि हम गाँवों में, सांजरपुर में और सापण में कुछ दूरियां बन गई, क्योंकि हम 20 साल पहले देखते हैं सापण में, माजरा में और सापण में और संगरपुर में आपस में बड़े प्यारे रिश्ते थे, एक दूसरे के घर पे बहुत ज्यादा जाना, अभी भी जाना आना है, ऐसा नहीं हमारी कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, लेकिन काफी पता नहीं क्या एक ऐसा